डी स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट वन स्टैंडर्ड टेंथ चैप्टर नंबर फाइव हेट दिस इज अवर लेक्चर नंबर वन रेफर लेक्चर्स ऑफ चैप्टर वन टू फोर आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट वन जो होता है उसका आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है हीट यह है हमारा चैप्टर नंबर फाइव स्टैंडर्ड टेंथ इसके पहले हम लोगों ने जो वीडियोस लेक्चर्स आपके लिए बनाए थे उन सभी वीडियोस को आप रेफर करेंगे फ्रॉम चैप्टर वन टू फोर इसके वीडियोस चैनल के ऊपर है यहाँ पे चैनल का नाम लिखा हुआ है इस चैनल पर आप जाएंगे उन वीडियोस को देखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि साइंस ये एक थेरोटिकल सब्जेक्ट है इसमें थेरी रहने के कारण आपका रीडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए रीडिंग करके आपको अंडरस्टैंड भी करना है टेक्स्ट बुक को रेफर करना है और टेस्ट बुक को रेफ़र करेंगे क्योंकि इसमें चैप्टर्स ज़्यादा है मार्क्स बहुत इसमें कम होते हैं फोर्टी मार्क का आपका पेपर है तो आपको इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा हार्डवर्क करना पड़ेगा शॉर्टकट चलेगा नहीं इसके पहले हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट वन के लेक्चर्स वीडियोस आपके लिए बनाए थे चैप्टर नंबर वन ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर टू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर नंबर थ्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर फोर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये सभी वीडियोस लेक्चर्स इस चैनल के ऊपर है वहाँ आपको जाना है इन वीडियोस को देखना है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और अब हम चालू करेंगे स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर फाइव हीट दिस इज आवर लेक्चर नंबर वन ये हमारा लेक्चर नंबर वन है स्टैंडर्ड टेंथ हीट रेफर लेक्चर फ्रॉम वन टू फोर लाइक शेयर सब्सक्राइब नेम ऑफ चैनल लेक्चर नंबर वन अब आपको क्या करना है कि टेक्स्ट बुक को भी आप रेफ़र करेंगे मैं आपके लिए बहुत सिंपल वीडियोस लेक्चर्स बना रहा हूं इसके लिए आपको हेडफोन का यूज़ करना है सुनना है बैठना है नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है टेक्स्ट बुक को भी रेफ़र करना है पूरा वीडियो देखना है थेरी रहने के कारण आपको बार बार वीडियोस देखना पड़ेगा दो तीन बार जब देखेंगे तब जाकर आपको ये वीडियोस लेक्चर समझ में आएंगे और इन वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो जो आपके बाकी फ्रेंड्स हैं जो दूसरे क्लासेस में हैं क्लासेस में आप जहाँ पढ़ते ट्यूशन क्लासेस में स्कूल्स में एरिया में रिलेटिवज़ में उन सबको आप बताएंगे कि स्टैंडर्ड टेंथ के हमारे वीडियोस अपलोडेड है अलजेब्रा के ज्योमेट्री के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट वन स्टैंडर्ड टेन के पूरे वीडियोस आप लेक्चर्स देखेंगे ये सभी वीडियो सिंपल लैंग्वेज में बने हैं उसका बेनिफिट लेंगे टीचर के पढ़ाने से पहले इसको सुनेंगे और अच्छे से पढ़ के जाके टीचर को स्कूल में इम्प्रेस करना है अच्छे से एग्ज़ाम देकर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है तो चलिए अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड टेन चैप्टर नंबर फाइव हीट लेक्चर नंबर वन ये अभी हम देखेंगे अब सबसे पहले आपको पता होना कि जो हीट है हीट चैप्टर का नाम है तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी सबसे पहले आप याद रखेंगे कि हीट क्या है इट इज़ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट इज़ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी ये एनर्जी का एक फॉर्म होता है इसका दूसरा डेफिनेशन हम लिख सकते हैं हीट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ़ एनर्जी इन बॉडी और इट इज़ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी फिर आप याद रखेंगे कि हीट को मेजर करने के लिए जो एपरेटस यूज़ होता है दैट इज़ कैलोरी याद रखिए हीट को मेजर करने के लिए कैलोरी का यूज़ होता है कैलोरी मीटर इज़ यूज इसके यूनिट्स तुमको मालूम होना इसका यूनिट होता है जूल SI सिस्टम में और सी जी एस सिस्टम में हीट का यूनिट कैलरीज होता है सी ए एल और जूल और अगर किसी ने पूछा कि जूल और कैलोरी के बीच में का रिलेशन बताइए तो आपको बताना है कि वन कैलोरी इट इज़ इक्वल टू फोर पॉइंट वन एट जूल दिस इज़ रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल जूल है ऐसा यूनिट और कैलोरीज इट इज़ कैलोरीज जो होता है इट इज़ सी यूनिट होता है हीट का तो किसी ने अगर पूछा तो बताने का हीट इज़ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी मेजर बाय कैलोरीमीटर। इसके यूनिट जूल और कैलोरीज होते हैं रिलेशन उसके बीच में का है वन कैलोरी इट इज़ इक्वल टू फोर पॉइंट वन एट जूल ये आप याद रखेंगे हीट के बारे में अब हमको हीट और टेम्परेचर में कन्फ्यूज़न होता है तो हीट और टेम्परेचर के बीच में का हमें डिफरेंस पता होना तो डिफरेंस अगर पूछा तो ये हमें लिखना है तो टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना हॉट है और वो कितना कोल्ड है हॉटनेस और कोल्डनेस का जो डिग्री होता है दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर लेकिन उसके अंदर में कितना हीट है ये हमें पता नहीं होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है हीटेड है उसका टेम्परेचर हमें पता रहेगा लेकिन उसके अंदर कितना हीट है ये हमें पता नहीं चलता है सो टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इट इज़ मेजर ऑफ एवरेज हीट ऑफ द मोलिक्यूल इन द सब्सटेंस और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ होता है इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस ये उसका यूनिट है केल्विन एंड फेरन तीन तीन यूनिट है सेल्सियस केल्विन, फेरेन और हीट में लिखेंगे जूल एंड कैलरी दीज आर द यूनिट्स ऑफ हीट तो सबसे पहले हम देखेंगे हीट के बारे में टेम्परेचर के बारे में इसमें कैलरी मीटर इसमें थर्मोमीटर दोनों के डेफिनेशन दोनों के यूनिट्स आपको याद रखना है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एम के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के लिए तो सबसे पहले हमने देखा हीट के बारे में दोनों के बीच में का टेम्परेचर के बारे में देखा दोनों के बीच में का डिफरेंस ये सब आपको अच्छे से बार बार सुनना है तो आपको कभी इसमें तकलीफ होगी नहीं ये सिंपल वीडियोस है लेक्चर्स है इसका बेनिफिट आपको लेना है अब आपको याद रखना है कि हीट को ट्रांसफ़र करने के डिफरेंट वेज़ होते हैं देर आर डिफरेंट वेज़ ऑफ़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट ये आप लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड नाइन्थ में सो डिफ़रेंट वेज़ ऑफ़ हीट ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन याद रखिए डिफरेंट वेज़ ऑफ हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन कॉन्वेक्शन रेडिएशन कंडक्शन जो है वो जनरली सॉलिड में होता है कॉन्वेक्शन ये फ्लूड में होता है जो फ्लो होते हैं और रेडिएशन जो है उस आपको बताया कि रेडिएशन जो होता है रेडिएशन में हम लिखेंगे कि इट कैन टेक्स प्लेस इन सॉलिड लिक्विड गैसेस एंड वैक्यूम हीट इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑन विच चेंज ऑफ स्टेट डिपेंड्स तो किसी ने अगर पूछा कि हीट ट्रांसफर के थ्री वेज बताइए तो कंडक्शन सॉलिड में होता कॉन्वेक्शन फ्लूड में होता है रेडिएशन सॉलिड लिक्विड गैसेस और वैक्यूम में होता है एग्जाम्पल हम लिखेंगे कंडक्शन का एग्जाम्पल हीटिंग ऑफ आयरन रॉड एट वन एंड एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन कॉन्वेक्शन का हीटिंग ऑफ वाटर इन अ वेसल कॉन्वेक्शन द अर्थ रिसीव हीट फ्राम सन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट ये आपने स्टैंडर्ड नाइन में पढ़ा था तो हीट के थ्री वेज ऑफ ट्रांसफ़र उनको कहाँ किस में होता है ये मालूम होना ये सॉलिड में यह फ्लूड में ये सॉलिड में लिक्विड में, में गैस में वैक्यूम में heating of iron rod example conduction, heating of water in vessel example of convection, liquid mein hota hai aur earth receive heat from the sun example of radiation. अब आपको पता होना कि हमें ये पता है कि states of matter हमने पढ़ा इसके पहले there are three states of matter, solid होता है, liquid होता है, gas होता है. अब आपको याद रखना है heat is one important factor on which चेंज ऑफ स्टेट डिपेंट्स जो स्टेट चेंज होना स्टेट चेंज के लिए हीट इज़ वन इम्पोर्टेंट फैक्टर और इसी लिए ये चैप्टर हमें पढ़ना है अगर किसी ने पूछा कि हीट का इम्पोर्टेंस बताइए तो आपको बताना है हीट इज़ वन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑन विच चेंज ऑफ स्टेट डिपेंट्स सॉलिड लिक्विड गैस अभी हम ये इतना याद रखेंगे सॉलिड का एग्ज़ाम्पल लिखा आइस लिक्विड का एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा वाटर गैस का एग्जाम्पल मैंने लिखा स्टीम अब आपको याद रखना है कि सॉलिड का जब कन्वर्शन लिक्विड में होता है उसको बोलते फ्यूजन फ्यूजन या तो मेल्टिंग सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में होना फ्यूजन लिक्विड का कन्वर्शन गैस में होना दैट इज़ वेपराइजेशन सॉलिड का लिक्विड फ्यूजन मेल्टिंग लिक्विड का गैस में कन्वर्शन वेपराइजेशन अब सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है उसको बोलते मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड का कन्वर्शन गैस में जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है उस कांस्टेंट टेम्परेचर को बोलते वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में होता है दैट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड का कन्वर्शन गैस में जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट द प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन हियर द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग सॉलिड का कन्वर्शन जब लिक्विड में होता है हीट एब्जॉर्ब होता है याद रखिए लिक्विड का कन्वर्शन गैस में होता है हीट एब्जॉर्ब होता है हीट इज़ एब्ज़ॉर्ब

इसमें टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा द हीट इज ओनली यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स के लिए उसका यूज होता है ऐसे हीट को बोलते लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन लिक्विड का कन्वर्शन गैस में होता है हीट इज एबजॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लिक्विड टू द गैस स्टेट सच टाइप ऑफ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसका डेफिनेशन हमने ये देखने से पहले मिल्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है आइस का मिल्टिंग पॉइंट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये याद रखिए मिल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ज़ीरो डिग्री बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड और लैटेंट हीट का मतलब याद रखिए द हीट एब्सॉर्ब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दोनों का डेफिनेशन सेम है लेकिन यहां पर यूनिट मेंशन है बाय यूनिट मास सेम डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेस यूनिट मास ऑफ सॉलिड को यूनिट मास ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए द हीट विच इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में यूनिट लिखना है बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड ये फर्क है इसमें melting point the constant temperature at which the solid changes to liquid state is called melting point of the solid. Of latent heat of vaporization again same the heat energy absorbed at constant temperature and then the constant temperature is called boiling point during transformation of liquid to gas is called latent heat or latent heat specific latent heat of vaporization by unit mass of liquid unit mass of liquid. टू गैस यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू लिक्विड उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूनिट मास ऑफ सॉलिड यूनिट मास ऑफ लिक्विड अगर है तो उसी को लैटेंट हीट के जगह पे वर्ड आएगा स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ पेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड अब हमने अभी तक ये देखा कि सबसे पहले हीट के बारे में टेम्परेचर के बारे में दोनों के बीच में का डिफरेंस मेजर कैलोरीमीटर, इसमें थर्मामीटर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस जूल कैलोरी यूनिट सेल्सियस केल्विन, फेरानीट हीट के ट्रांसफ़र करने के थ्री वेज होते हैं कंडक्शन कॉन्वेक्शन रेडिएशन एग्जाम्पल बताया हीट का इम्पोर्टेंस ये है कि चेंज ऑफ स्टेट के लिए हीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड फ्यूजन लिक्विड का गैस वेपराइजेशन जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है मेल्टिंग पॉइंट जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता बॉइलिंग पॉइंट जो हीट एब्जॉर्ब होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेन देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड लेट हीट और स्पेसिफिक लेट हीट में आपको लिखना है यूनिट मास ऑफ सॉलिड गेट कन्वर्टेड टू द लिक्विड यहाँ पर जो हीट एब्जॉर्ब होता है लिक्विड का ट्रांसफॉर्मेशन सॉलिड में एट गैस में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दैट ते तो इज कॉल्ड लेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन यूनिट मास अगर वर्ड आ गया तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक लेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट बताया ये दीज आर द डेफिनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर स्कूल एग्जाम्स अच्छे से पढ़ेंगे बार बार रीडिंग करेंगे और अच्छे से वीडियो देखेंगे अब हम ये पढ़ेंगे कि ये लैटेंट हीट क्या होता है वॉट इज लेट एंड हीट तो देखा हमने अब लैट हीट का बताया मैंने आप कोई हमारे टेंथ स्टैंडर्ड में दो याद रखना है लेट हीट ऑफ फ्यूजन लैट हीट ऑफ वेपराइजेशन स्पेसिफिक लेट हीट ऑफ फ्यूजन स्पेसिफिक लेट हीट ऑफ वेपराइजेशन अब हम देखेंगे लेट हीट क्या होता है द क्वान्टिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय और रिलीज बाय सब्सटेंस टू चेंज इट स्टेट इज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लेट हीट हीट इज एब्जॉर्ब और रिलीज अब आपको बताया मैंने कि सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में होता हीट है्बजॉर्ब लिक्विड का कन्वर्शन गैस में होता है हीट एब्जॉर्ब लेकिन लिक्विड का कन्वर्शन अगर सॉलिड में होता है तो हीट लॉस्ट होता है याद रखेंगे द हीट इज लॉस्ट लॉस्ट द क्वांटिटी ऑफ इट हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय सब्सटेंस टू चेंज इट स्टेट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लेट हीट द लेटेंट हीट एब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस याद रखो ये एटी कैलोरी पर ग्राम लेट एन हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज एटी कैलोरी पर ग्राम द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ़ ड्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड लेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन द लेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर याद रखो ये फाइव फोर्टी कैलोरी पर ग्राम इसमें एटी आइस का और यहाँ पे फायु फोरटी एम सी क्यू के लिए डूरिंग चेंज ऑफ स्टेट देर इज़ नो राइज और फॉल इन देशर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है द हीट जो हम सप्लाई करते हैं इट इज़ यूज ओनली टू ब्रेक द बॉन्ड्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जीरो डिग्री बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हंड्रेड स्पेसिफिकट बताया फाइव फोर्टी कैलोरी पर ग्राम स्पेसिफिक स्पेसिफिकट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस याद रखिए एटी कैलोरी पर ग्राम होता है अब अगर किसी ने पूछा कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एटी कैलोरी पर ग्राम का मतलब क्या है इसका ये मतलब है कि एक ग्राम वाट आइस है वन ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट एट ज़ीरो डिग्री टू फॉर्म वन ग्राम ऑफ वाटर वन ग्राम आइस का वन ग्राम वाटर में कन्वर्शन करने के लिए हमें वहाँ पर हीट सप्लाई करना पड़ेगा एटी कैलोरी ये उसका मतलब होता है वन ग्राम ऑफ आइस मेल्ट एट जीरो डिग्री टू फॉर्म वन ग्राम ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड एटी कैलरी दिस इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक लैट एंड हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एटी कैलरी पर ग्राम का मतलब वन ग्राम ऑफ आइस मेल्ट एट जीरो डिग्री टू फॉर्म वन ग्राम ऑफ वाटर ये उसका एक्चुअल मतलब होता है तो ये जो वीडियो हमने देखा इस वीडियो में आज हमने देखा हीट टेम्परेचर थ्री वेज सबसे इम्पॉर्टेंट ये पूरा चैप्टर यहाँ पर है लैट एंड हीट ऑफ्यूजन स्पेसिफिक लैट एंड्यूजन मिल्टिंग पॉइंट ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड स्पेसिफिक एंडराइजेशन हीट, बॉलिंग यहाँ पे रिलेटेड लिक्विड टू सॉलिड हीट लॉस्ट होता है सॉलिड टू लिक्विड एब्जॉर्ब होता है लिक्विड टू गैस एब्जॉर्ब होता है लेट हीट का डिस्क्रिप्शन शॉर्ट नोट वेरी इंपॉर्टेंट ये इम्पॉर्टेंट एम के लिए ये सब अच्छे से आपको सुनना है देखना है टेक्स बुक को रेफर करना है अच्छा लगा तो फ्रेंड्स को बताना है क्योंकि ये थेटिकल है थेराटिकल रहने के कारण इसमें थेरी बता सकते इसमें किसी प्रकार का कोई भी कैलकुलेशन होता नहीं टेक्स बुक को रेफर करेंगे हेडफोन लगाएंगे पूरा वीडियो देखेंगे अच्छे से सुनेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके नोटबुक में लिखेंगे फ्रेंड से डिस्कस करेंगे साइंस एक थेरोटिकल सब्जेक्ट है इसमें थेरी रहने के कारण आपको साइंस डिफ़िकल्ट लग सकता है इसके लिए रीडिंग की बहुत ज़रूरत होती है टेक्स्ट बुक को रेफर करके अच्छे से आपको पढ़ना है और मैक्सिमम फ्रेंड को बताना है इस चैनल पर जाके अल्जेब्रा जोमेट्री के वीडियोस लेक्चर्स देखेंगे शेयर करेंगे दिस इज अवर लेक्चर नंबर टू तो अच्छे से पढ़िए और अच्छे से स्मार्ट वे में पढ़ के टीचर को इम्प्रेस कीजिए थैंक यू